जाहिर है अमेरिकी सरकार बांग्लादेश से कई मसलों पर काफी नाराज है। वो कहती हैं कि अमेरिका के उठाए गए कदम काफी अहम और फैसले राजनीतिक हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश इस जगह पर आकर फंस गया है। जियोपॉलिटिकल लिहाज से बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में काफी अहम माना जाता है। हालांकि वहां लोकतंत्र सवालों के घेरे में है, लेकिन अमेरिका लंबे समय से इस मसले पर खामोश रहा है। हेलो बंधुरा, कैमन आसें? आशा करी सब भलो आसें। जुनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल। हमें अपन जुनू आगती वीडियो प्ले करती जर्ची सबाई देखबीन, आशा करी सबाई देखबीन, भलो लगभग। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश और यूएसए अमेरिका के रिलेशन के हवाले से। अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी मामलात में पाबंदियाँ लगाने का आगाज़ किया। बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। अमेरिका की तरफ से ऐसे बयानात बांग्लादेश के खिलाफ अचानक क्यों आना शुरू हो गए, इसकी बहुत बड़ी एक पीछे कहानी है। बांग्लादेश को हमेशा क्वाड के अंदर शामिल होने के लिए कहा जाता रहा है, दबाव डाला जाता रहा है भारत की तरफ से। बांग्लादेश ने हमेशा इनकार किया। चीन के साथ दोस्ती मेन वजह बनी। चीन के साथ दोस्ती क्यों की बांग्लादेश ने, बांग्लादेश के अंदर चीन क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सबसे बड़ी मेन वजह है अमेरिका और बांग्लादेश के ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अपनी एक अलहदा हैसियत बनाए साउथ एशिया के अंदर। अमेरिका के साथ दोस्ती बनाने के बाद वो यहाँ पर टाइगर बनने के ख्वाब देखता है, चाइना को बिछाड़ने की बातें करता है। चाइना अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान बिगाड़ रहा है। अब बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका के क्या बयानात आए हैं, क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को लेकर बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले को अमेरिकी विदेश नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बाइडेन प्रशासन के इस कदम को भू राजनीतिक हितों के चलते रणनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने 2021 के लोकतंत्र सम्मेलन से बांग्लादेश को दूर रखा। उसके विशेष बलों ने मानवाधिकार दिवस के दिन बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन RAB और कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 6 साल पहले बांग्लादेश के लेखक अभिजीत रॉय को मारने वाले भगोड़े हत्यारों को पकड़ने के लिए सूचना देने वालों को $50,00,000 का इनाम देने का ऐलान किया। इस तरह कई वजहों से इन दिनों अमेरिका और बांग्लादेश के संबंधों पर काफी विचार विमर्श होने लगा है। जानकारों में इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून का शासन जैसे मुद्दों को लेकर अमेरिका आखिर अब क्यों मुखर हुआ है। कई लोग अमेरिका के हाल में उठाए गए कदमों को बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों में पैदा हुए तनाव के तौर पर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर रुखसाना किबरिया के अनुसार दोनों देशों के रिश्तों ने जटिल मोड़ ले लिया है। अमेरिका एक महाशक्ति है, इसलिए जब ये मामला सामने आया तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। जाहिर है अमेरिकी सरकार बांग्लादेश से कई मसलों पर काफी नाराज है। वो कहती हैं कि अमेरिका के उठाए गए कदम काफी अहम और फैसले राजनीतिक हैं। किबरिया बताती हैं कि बाइडेन प्रशासन के ताजा फैसले को देखकर हम कह सकते हैं कि उसकी नीति साफ तौर पर बदल रही है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका बांग्लादेश में हो रही कई चीजों से नाखुश है। हालांकि अमेरिका के ताज़ा फैसलों को बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों में आई कमजोरी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे उसके रवैये में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका की इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी में शासन और राजनीति के जाने माने प्रोफेसर अली रियाज का मानना है कि बाइडेन प्रशासन ने विदेश नीति के केंद्र में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा है। हालांकि इस नीति का इस्तेमाल राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से किया जा रहा है। वो कहते हैं बाइडेन प्रशासन का कहना है कि वो मानवाधिकारों के लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देता रहेगा। अमेरिका को विदेश नीति के कुछ मसलों से समस्या है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित उसकी रणनीति है। अमेरिका दो चीजें करने की कोशिश कर रहा है, पहला मानवाधिकार या लोकतंत्र का सवाल है और दूसरा बाइडेन प्रशासन शुरू से ही एशिया प्रशांत क्षेत्र पर फोकस बनाए हुए है। डॉक्टर रियाज कहते हैं कि इस तरह वो चीन को प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बनने और चीन के बढ़ रहे प्रभाव क्षेत्र को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका कई देशों की सरकारों पर अपना दबाव बना रहा है। उनके मुताबिक चीन बांग्लादेश पर एक तरह का प्रभाव डाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने इसे ध्यान में रखा है। हालांकि वो बांग्लादेश को अलग थलग नहीं करना चाहता, कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अमेरिका स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश को
कुछ चीजें सुधारने की जरूरत है। असल में वो चाहता है कि बांग्लादेश उसके साथ काम करे। अमेरिका के थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन में सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक पॉलिसी के निदेशक रफीक दोसानी का मानना है कि बांग्लादेश पर अमेरिका का यह कदम भू राजनीतिक लिहाज से अहम है। दोसानी कहते हैं कि विकास के लिहाज से चीन के लिए बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह और उसके पास का सितवे बंदरगाह अहम है। उनके अनुसार अमेरिका की नीति और बांग्लादेश के प्रति उसके रवैये में हुए ताजा बदलाव का मुख्य लक्ष्य चीन को रोकना है। इस मामले में बाइडेन प्रशासन ने विदेश नीति के तरीके बदले हैं। रफीक दोसानी कहते हैं कि बांग्लादेश शायद दो शक्तियों के बीच चुनाव करने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश तुरंत फैसला करे। मुझे लगता है कि बांग्लादेश इस जगह पर आकर फंस गया है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ बांग्लादेश का संकट नहीं है, पूरा एशिया इस समस्या का सामना कर रहा है। अमेरिका इस समय वो तरीका अपना रहा है कि आप या तो मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ हैं। मुझे लगता है कि वहाँ यही हो रहा है। जियोपॉलिटिकल लिहाज से बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में काफी अहम माना जाता है। हालांकि वहाँ लोकतंत्र सवालों के घेरे में है, लेकिन अमेरिका लंबे समय से इस मसले पर खामोश रहा है। उसे इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी भारत का भी समर्थन मिलता रहा है। हालांकि डॉक्टर अली रियाज बांग्लादेश के प्रति अमेरिकी नजरिए में हुए ताजा बदलाव को भारत के प्रति अमेरिका की नीति में हुए बदलाव के रूप में भी देखते हैं। वो कहते हैं, मैं मानता हूं कि बांग्लादेश का सवाल अब भारत केंद्रित हो गया है। अब ये केवल बांग्लादेश का मामला नहीं रह गया है। मेरा अनुमान है कि भारत और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव, नेपाल को लेकर अमेरिका वाकई पुनर्विचार कर रहा है। दोसानी कहते हैं, मुझे लगता है कि ट्रेंड बिल्कुल साफ है कि अमेरिका भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता घटाना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि क्षेत्र पर भारत का प्रभुत्व ना रहे। उनके मुताबिक भारत जिस तरह चीन से निपट रहा है उसे लेकर अमेरिका हताश है। तो जी, ये थी वीडियो और आपने देखी, ये इंडियन बीबीसी न्यूज़ हिंदी की तरफ से ये रिपोर्ट थी। और ये वाजे हो चुका है कि चीन के साथ दोस्ती के लिए जो भी मुल्क आगे बढ़ेगा उसके ऊपर ऐसे ही फैसले होंगे। अमेरिका की तरफ से ऐसे ही फैसले सामने आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। तो अब देखना होगा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, और अमेरिका ने दो पॉलिसियाँ ऐलान की हैं, एक तो जो उनके साथ हैं, एक जो उनके ख़िलाफ़ हैं। उनके ख़िलाफ़ होने का मतलब कि चाइना के साथ दोस्ती, क्योंकि अमेरिका चाइना को पसंद नहीं करता और चाइना ताकतवर होना चाहता है। साउथ एशिया के अंदर चाइना एक अच्छी इकोनॉमी बन चुका है, चाइना एक अच्छी पावर में है। दूसरे अपने जो अपने साथ नेबर्स कंट्री हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। अब अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगता कि बांग्लादेश अचानक भारत को छोड़कर चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, चाइना के साथ ज़्यादा दोस्तियाँ हो रही हैं, चाइना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि सारे मामलात में यही कुछ निकल के सामने आना था, और दबाव डालने के लिए अब ये पाबंदियाँ बांग्लादेश के ऊपर लगाई जा रही हैं। अब आने वाले टाइम पे देखना होगा कि चाइना और बांग्लादेश अपने ताल्लुकात को क्या यहाँ पे ख़त्म करते हैं या इसे आगे लेकर चलते हैं। तो और दूसरी तरफ देखना होगा कि अमेरिका और बांग्लादेश के ताल्लुकात किस सिमत पर जाते हैं और बांग्लादेश के साथ मज़ीद क्या पाबंदियाँ लगाता है USA। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।